नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दिवाली का पर्व हर किसी के लिए रोशनी और खुशियों का त्यौहार है। दिवाली के त्यौहार पर सभी के चेहरे पर एक अलग खुशी दिखाई देती है और बाजारों में माहौल ऐसा होता है कि लोग काफी पहले से ही खरीदारी शुरू कर देते हैं। मिठाइयों से लेकर कपड़ों की दुकान पर या फिर मिट्टी के दिए खरीदने के लिए कुम्हारों के पास लोगों का तांता लग रहा है। कोरोना की तबाही और लॉकडाउन ने सभी को मायूस किया था, लेकिन इस बार वैक्सीनेशन के साथ त्योहारों के आते ही व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है, क्योंकि रोशनी के त्योहार पर बाजार गुलजार हो चुके हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, जहां हमारे रिपोर्टर्स ने बाजारों में पहुंचकर बाजारों का हाल जाना, त्योहारों पर हो रही तैयारियों को लेकर लोगों से बातचीत की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दीपोत्सव से एक हफ्ता पूर्व मेले का आयोजन का निर्देश था, उस क्रम में हमने 101 स्टॉल यहां पर लगाए हुए हैं। मेले का उद्घाटन यहां के लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी के करकमल द्वारा हो चुका है। अयोध्या के जो भी जनमानस हैं, जो भी नागरिक हैं, लोकल फॉर वोकल, जो यहां का लोकल उत्पाद है और विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो दिवाली से संबंधित भी हैं, कृषि से भी संबंधित हैं, खादी ग्रामोद्योग से संबंधित हैं, सब एक जगह पर एक पटल पर सबको ये सुविधा मिल सके, इस नाते यहाँ के नागरिकों को यह सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्राप्त हो रही है। कब आयोजन किया गया है, समाप्ति कब है? 3 तारीख तक ये मेला अनवरत चलता रहेगा। अभी और भी इसमें स्टॉल लगेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कभी सम्मेलन होगा, अभी अनेक कार्यक्रम इस मेले में होते रहेंगे। दीपावली की मार्केट जो है बहुत ही झुकी जा रही है महंगाई के कारण, जैसा कि पेट्रोल वगैरह के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बहुत बढ़े हैं, और मतलब ग्राहक किसी तरीके से मतलब जो है अपनी जेब पे इस चीज़ का बोझ समझ रहा है कि महंगाई ग्राहक को ख़रीदारी करने में कहीं ना कहीं अड़चन दे रही है, और सामान खरीदने के लिए शायद ग्राहक के पास बजट कम है। इस साल दिवाली का त्यौहार बहुत ही हल्का जा रहा है। त्यौहार के मद्देनज़र माल तो आपने मंगा लिया होगा काफ़ी? माल मंगाया है, लेकिन बिक्री के हिसाब से जो है हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या आगे से। क्या लगता है कि 4 दिन बाद त्यौहार है, क्या बाज़ार कुछ ऊपर आएगा? अब ये तो दीपावली के 2-3 दिन पहले पता लगेगा कैसा क्या माहौल है। फिलहाल तो इस समय अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बाज़ार मंदी है, बाज़ार में कमी है, और हम लोग केवल औपचारिकता कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, दुकानदारी में बहुत बड़ा असर है, बिक्री बता बहुत ही कम है। खरीदारी बिल्कुल नहीं है, बिक्री कुछ भी नहीं है, महंगाई का मार इतने कस्टमर को लेना ही नहीं चाहता। माल मैंने बहुत मंगा रखा है जो बिक भी नहीं रहा है, सब स्टॉक रखा हुआ है। पेट्रोल डीजलें ऐसी बढ़ गई हैं कीमतें कि जिससे बाज़ार में बहुत ही बिक्री हो गई, हर चीज़ महंगा है। क्या लगता है कि हालात सुधरेंगे कुछ दिन बाद? मुझे तो नहीं लगता, जब तक पेट्रोल डीजल नहीं सस्ता होगा तब तक जो है हालात नहीं सुधरने के। दीपावली बना रहे हैं और कलश बना रहे हैं, 57 मुँह, 3 मुँह, 4 मुँह के दिए बन रहे हैं, और भी झालर बन रहे हैं, फैंसी आइटम बन रहे हैं। बाज़ार में किस चीज़ की मांग सबसे ज़्यादा है अपनी बात? फैंसी दियाली, झूमर, झालर, मिट्टी के झालर होते हैं, उसकी मांग ज़्यादा है। दीपावली की तैयारी में 57 हम लोग बनाते हैं, 7 दिए 5 दिए। मिट्टी की क्या कोशिश है, मिल रही है? मिट्टी की दिक्कत है, यहाँ जो तालाब है, यहाँ जो सरोजिनी नगर में तालाब है, वो तालाब किनारे लोग कब्जा कर ले रहे हैं, हम लोगों को खोदने नहीं दे रहे हैं मिट्टी। बिजली महंगी होने के कारण कैसे क्या कर रहे हैं आप? काम नहीं कर पा रहे, बराबर लाइट भी नहीं मिल रही। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक वाला जो चाक दिए हैं UBG ने, वो चाक है हमारे पास, मगर उस पर हम काम कर नहीं पा रहे हैं, लाइट की दिक्कत हो रही है, पत्थर वाला चाक से काम करते हैं। चाइनीज झालरों की मांग की अपेक्षा दियाली की मांग अपनी बार ज़्यादा है? हाँ, दियाली की मांग बहुत ज़्यादा है। आपकी मार्केट बहुत ठंडी है, 50% मार्केट, 50% व्यापार नहीं है, और महंगाई की वजह से आदमी के पास पैसा है नहीं, जितना माल लेते आधे माल पर भी बाजार में कोई रस्सी नहीं है, कहते हैं मतलब इस तरीके व्यापार। पिछली बार की दीपावली से इस बार की दीपावली में क्या? पिछली बार से व्यापार समझिए कहते हैं
70% 60% रह गया। तो क्या लोग दीपावली की महंगाई औपचारिकता नहीं खा रहे हैं? अब महंगाई की वजह से अभी कम खर्च में काम चला रहे हैं भाई जिसको लेना जरूरत तो करनी है, अब थोड़े से मैं काम चला रहे हैं कहते हैं, लेकिन पैसा ही नहीं आदमी तो क्या करेंगे। क्या लगता है अभी 3-4 दिन दीपावली के बचे हैं बाजार से कोई उठने की कोई संभावना ही नहीं, उठती है तो पहले उठती है, अब कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। अब इसी तरीके व्यापार मतलब हर कैसे चल रहा है। दीपावली की तैयारियों को लेकर आज यहाँ पर बाजार में भारी भीड़ उमड़ी है। हम इस समय जो है एक सताफे की दुकान में खड़े हुए हैं। ये रायबरेली जिले की लगभग सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सताफे की दुकान है। आइए जानते हैं इस त्यौहार पर क्या असर पड़ रहा है। सर ये जो दीपावली में आपकी बात है तो क्या असर पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ों का? लोगों को महंगाई की बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, इसकी वजह से वो अपनी आम पैसे से भी नहीं कर पा रहे हैं, सोने चांदी खरीदने को बहुत दूर की बात है। और इसके पहले भी 46 साल खरीदारी 50% जो है माइनस हुआ है, लोगों को जो है गोल्ड ज्वेलरी में इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, इसकी वजह से वो अपनी तमाम दोस्तों को अपने गोल्ड से जो है पीछे हट रहे हैं, उनको लेने में दिक्कतें आ रही हैं। सर हर बार सिक्के की खरीद करते थे, हर बार सिक्के खरीद होती थी, अभी भी हो रही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है जितनी एक वर्ष इसके पहले होती थी। इस बार सिक्कों का जो है बहुत कम लोग वो कर रहे हैं, इसलिए जो है महंगाई की मार काफ़ी जल्दी आई। दीपावली की तैयारियों को लेकर जहां पर सर्राफा बाजार गुलजार हो रहे हैं, वैन टीवी की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है और रायबरेली शहर की लमसम सबसे पुरानी दुकान पर मौजूद है। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं, आइए जानते हैं कि इस त्यौहार में खरीदारों का क्या रुझान है। इस त्यौहार पर जो दीपावली की तैयारियां हो रही हैं इसमें क्या डिमांड है सबसे ज़्यादा? कोई डिमांड नहीं चल रही है, बहुत महंगाई चल रही है, महंगाई की वजह से कोई डिमांड है नहीं। जबकि सबसे ज़्यादा शुद्ध चांदी के सिक्के माने जाते थे। हाँ सिक्के माने जाते थे लेकिन 8,800 रुपये का सिक्का कौन खरीद रहा है? तो क्या महंगाई ऐसा डाल रही है इसकी बार? बहुत ज़्यादा। आने वाले दिनों में अभी क्या उम्मीद है कि बाजार कुछ सुधरेगा? नहीं लग तो नहीं रहा, बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो त्यौहार पर असर डालती हुई नजर आ रही है, ये कहना है रायबरेली के सर्राफा व्यवसायी का। कैमरामैन रविंद्र के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी रायबरेली। श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या नगरवासियों ने उनकी आने की खुशी के आगमन में उन पूरी अयोध्या नगरी को दीपकों से सजा दिया था। तो तभी से ये दीपावली का हमारा जो त्यौहार है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो लेते यहाँ एक दुकानदार है मेरे साथ मौजूद, मैं उनसे जान लेती हूँ कि इस बार पहले के अपेक्षा इस बार कैसा है जो दीपकों का जो खरीदारी का माहौल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। जिस तरह की पहले जो दीपकों का जो आपका जो दीपक खरीदे जाते थे लोग खरीदने आते थे, इस बार कैसा है कि कितनी खरीदारी चल रही है? अगले साल से तो बहुत कम हुआ है, हिसाब बहुत कम, दुकानदारी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, मार्केट चल ही नहीं रही है, मजदूरों की मजदूरी चल नहीं रही है, मजदूरों पर पैसा होगा तो पैसे को लेकर मार्केट में डोलेंगे जब हमारे पास आएंगे, आदि भी नहीं है। और साल जिस तरह की देखा जा रहा है कि पहले लोग पहले की अपेक्षा कम दीपकों की भी खरीदारी हो रही है क्या? बिल्कुल बहुत कम हो गई है, अब तो ठिक पूजना हो रही है। आई सुनिए पहले मतलब 100 जा रहे हैं तो अब मान के चलो 30% मान के 30% आ रहे। मतलब आपका कहना साफ तौर से ये है कि जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से ही बहुत कम खरीदारी हो गई है? बिल्कुल दब गई लॉकडाउन के बाद में, बिल्कुल पहले अच्छी होती थी, अच्छी कोई बात थोड़ी नहीं, सौदे की सफाई हो जाती थी, सौदे भी नहीं पूरे पूरे बिक जाते, अब तो माल ही धरे धरे आओ आओ ग्राहकों की आओ जी करे, फिर भी मान के पैसा ही नहीं ग्राहक पे, तो ग्राहक लेगा कहाँ से। जिस तरह के दीपकों के साथ में आपने दीपावली की तैयारी के लिए और क्या क्या चीज़ों को बनाया है, जैसे मूर्तियाँ वगैरह क्या क्या बनाई है? खरीद के लाते दीदी, हम तो जो मार्केट से लाते हैं उसका जो हमको है जो हमारे पर्चा का जो 1-4 रुपए का जो मार्जिन मिल जाता है उसके हिसाब से और आगे को बढ़ा देते हैं, बनाते नहीं हैं, बना हुआ लाते हैं। क्या 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 बेच रहे हैं? लक्ष्मी गणेश हैं, दीपक हैं, कलश हैं, मटके हैं, ऐसे ये आइटम बेचते हैं।
आपको बता दूं कि दो साल से पिछले कोविड को लेकर के लोगों में जो उत्साह था वो बहुत ही डाउन दिख रहा है, वो बहुत ही कम दिख रहा था। इस बार देखते हैं, बात करते हैं लोगों से। मैं बाजार में आ चुकी हूँ और ये बात करती हूँ, मैं कुछ ग्राहक भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि कोविड टाइम के बाद ये जो कि दो साल का टाइम पीरियड था उसके बाद में जो दीपावली का त्यौहार था, ये इनके मन में उत्साह दिख रहा है, किस तरह से इनकी खरीदारी हो रही है? कुमकुम खंडेलवा, जिस तरह की देखा जा रहा है पिछले दो साल से जो कोविड का टाइम चल रहा था उसको जो लॉकडाउन लग गया था उसको लेकर के लोगों में जो उत्साह था जो प्रत्येक त्यौहार को लेकर के, तो वो कम दिख रहा था। तो इस बार जो आप देखा जा रहा है कि इस बार कैसा है, क्या आप लोग जारी की थी उस तरह का क्या लग? नहीं, थोड़ी कमी तो आई है, ऐसा नहीं है कि जो दो साल पहले था थोड़ी कमी आई है, कि फिर भी हम मतलब धीरे धीरे जा रहे हैं उस ओर। हो सकता है अगले साल हम काफ़ी मतलब जैसा हमारा दो साल पहले था हो जाए वो। तो ये थे हमारे साथ एक महिला ग्राहक जो जिन्होंने मुझे बताया कि जो दो साल पहले जो उत्साह था, खैर वो तो नहीं है लेकिन हाँ, लेकिन कोविड का टाइम था उससे तो खैर अब काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। तो आइए हम इनसे, यहाँ मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं जो यहाँ दुकान के जो मालिक हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ कि अब कैसा उत्साह दिख रहा है और पहले की अपेक्षा अब क्या ग्राहकी किस तरह के ग्राहक आ रहे हैं, कितना बदलाव आया है दो साल के बाद में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बी के रावत। जिस तरह की कोविड टाइम था दो साल पहले, तो पहले त्यौहार की पहले की अपेक्षा अब त्यौहार में इस बार कैसा उत्साह दिख रहा है, कितने ग्राहक आ रहे हैं दुकान? देखो, कोविड के टाइम में तो दूसरा सीजन था, क्योंकि लोग घबराए हुए थे इसलिए उनको आने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इस समय थोड़ा सा कोविड से काफ़ी रिलैक्स मिला है और उसकी वजह से ग्राहक तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि महंगाई ज़्यादा है इसलिए ग्राहक पर इसका असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ने के बाद सारी जितनी भी खाद्य वस्तुएँ हैं उन सब पर भी महंगाई का मार बढ़ी हुई है और उससे लोगों को थोड़ा सा दहशत में है, क्योंकि उनका इनकम का साधन ख़त्म हो चुका है। धीरे धीरे उनको व्यवसाय मिल रहा है लेकिन इसमें टाइम लगेगा। क्या मानते हैं कि जिस तरह के पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े उन्हीं की वजह से आज खाद्य सामग्री जितनी भी हैं उन पर दाम बढ़ गए हैं और इस वजह से जो मार्केट है वो डाउन है? मार्केट डाउन है, जबकि मार्केट जो दीपावली पर कम से कम नहीं तो 80% 90% मार्केटिंग हुआ करती थी, वो मार्केटिंग 50% या 60% पर रह गई, 20% मार्केटिंग का फर्क पड़ा है, वो डीजल और पेट्रोल की वजह से पड़ा है, क्योंकि खाद्य सामग्री सब बढ़ रही हैं, उससे किराया बढ़ रहा है, किराया बढ़ने के सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ रहा है। और ये थोड़ा सा अगर रिलैक्स मिले इसमें पेट्रोल डीजल में तो लोगों को राहत मिले, व्यापारी वर्ग है चाहे वो सर्विस वाला है, उन सबको भी राहत मिलने का समय होना चाहिए, तभी इस देश का उद्धार होगा और भारतवर्ष का उत्थान होगा। तो देखा, जिस तरह से मेरे साथ यहाँ दुकान मालिक मौजूद थे और इन्होंने साफ तौर से इनका कहना था, इन्होंने बताया मुझे कि जिस तरह की जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, लगातार दिन पर दिन दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसी को लेकर के एक तो कोरोना काल का दहशत, ऊपर से ये पेट्रोल डीजल दोनों ही को मिला करके ये जो दीपावली का इस बार त्यौहार है, जो यहाँ मार्केट है, जो बाज़ार है, यहाँ ग्राहकों का आवागमन है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी न्यूज़। जैसे जैसे दीपावली का समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही दिवाली को लेकर तैयारियां बाज़ारों में शुरू हो गई हैं। हमारे साथ यहां पर चाहे फिर वो छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, सभी लोग पूरी तरह से बहुत उत्साह में मग्न है। हमारे साथ छोटे कारोबारी हैं, पूछते हैं इनसे कि क्या कुछ खासा तैयारियाँ हैं दिवाली को लेकर, क्या कुछ खासा तैयारी है दिवाली को लेकर? दीवले बन रहे हैं, देख रहे हैं दीवले, ग्राहक आ रहा है, संतुष्ट है? हाँ, खूब आ रहा है, खूब दिख रहा है। महंगाई को लेकर कुछ क्या कहें? महंगाई ना कुछ ठीक है, महंगाई है, महंगाई को लेकर कुछ नहीं कहेंगे, कुछ महंगाई ना। व्यापारी है, पूछते हैं इनसे क्या कुछ कहते हैं, क्या नाम है आपका? क्या खासा तैयारियाँ इस बार दिवाली को लेकर? बड़े बड़े मूर्ति सजा रखी है हमने, ये खुद ही बनाते हैं या फिर आगे बनाते हैं? तो पिछली बार से क्या कुछ अलग है? पिछली बार थोड़ा मामला डाउन है, जब आप देखिए बाजार में पिछले साल भीड़ी थी काफ़ी ज़्यादा, जब से कोरोना आया जब से भाई साहब बहुत ही मंडी खराब है, काम में भी महंगाई को लेकर ग्राहक है। हाँ, महंगाई को लेकर पूरी जो ग्राहक 500-600 रुपये अपनी लेकर वो कुछ मतलब देता ही नहीं है।
देखने के बाद चला गया था वो बीपले, पहले 10-25 की देख रहे हैं, 15-25 कर दिए, उसमें ही ग्राहक कहता है भैया ऐसा बहुत नहीं है, ये है करता। तो कुछ ग्राहकों में काफ़ी संतुष्ट है, लेकिन कुछ ग्राहक जो है वो महंगाई को लेकर निराशा जता रहे हैं। और यहाँ पर चलिए बात करते हैं कुछ और, हमारे साथ जो है व्यापारी हैं यहाँ पर दुकान, हमारे साथ एक व्यापारी है, क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार भाई। अच्छा, इस बार जो क्या कुछ अलग है, क्योंकि पिछली बार दो बार से कोरोना काल में काफ़ी कमर टूटी थी व्यापारियों की, इस बार क्या कुछ अलग है, लगता है कि ग्राहक संतुष्ट है? ग्राहक तो बाजार में कोरोना काल की वजह से है ही नहीं, ग्राहक तो पहले बाजारों में, बाजारों में बहुत काम धंधे मंदे हैं, बाजारों में ग्राहक नहीं है और बिक्री ना बिल्कुल नहीं। महंगाई को लेकर क्या कहें? महंगाई है तो बहुत जबरदस्त महंगाई है, महंगाई तो आसमान पर पहुंच गई है, महंगाई हर चीज़, पेट्रोल महंगा, सब खाने पीने की चीज़ें महंगी, सब चीज़ महंगी महंगी है, ग्राहक क्या करे बेचारा, ग्राहक इस वजह से बाजार में बीमारी इतनी चल रही है, घर घर बीमार है आदमी, दोहार क्या बनाएगा आदमी, जो बीमार इतना है, बीमारी फैल रही है और महंगाई है, तो आदमी क्या करे। साफ तौर पर यही कहना है व्यापारियों का कि निराशा है महंगाई को लेकर, साफ तौर पर निराशा दिखाई। यही था, आप देख सकते हैं कि दुकानें जो है कभी नहीं है पूरी तरीके से साफ सब्जा बाजारों में दिख रही है, दिवाली को लेकर छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, कभी भी साफ होना पूरी तरीके से नजर आ रहा है। प्राइम टीवी के लिए शिवान शर्मा बुलंदशहर। तो तस्वीरें देखिए आपने कि किस तरह से अलग अलग जगह दिवाली की धूम है और मार्केट में भी लोग पहुंच रहे हैं त्योहारों की शॉपिंग करने के लिए और खरीदारी के लिए, जिसकी वजह से बाजार गुलजार हो चुके हैं। और हमारे संवाददाता ने आप तक इस बार की रिपोर्ट पहुंचाई कि किस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है और उसके बावजूद भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, त्योहारों की खरीदारी चल रही है। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और तमाम खबरों के लिए भी हमारे साथ बने रहिए, प्राइम टीवी के साथ जुड़े रहिए आप।